फाउंडेशन फ्योर दी लोटो की ओर से 28 मई से शुरू सेवा कार्य के तहत प्रतिदिन की गई खाद्य सामग्री वितरित, जिसमें 6 जून तक 700 परिवारों को वितरित की गई खाद्य सामग्री, इसी क्रम में 75 परिवारों को वितरित की गई खाद्य सामग्री जिसमें मुख्य रूप से भारत बैंड एवं मोहन बैंड पुष्कर के सभी बैंड वादकों को दी गई खाद्य सामग्री, इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा पुष्कर सहित कड़ेल, डूंगरिया खुर्द, नेडलिया, गनेड़ा, चावंडिया, बासेली, भगवानपुरा, संतोषी माता की ढाणी सहित श्याम बैंड एवं कृष्णा बैंड के वादकों को की गई खाद्य सामग्री वितरित, जिसमें खाद्य सामग्री से 10 किलो आटा, 1 किलो दाल, 500 ग्राम बेसन, 1 किलो शक्कर, 100 ग्राम चाय पत्ती, 1 किलो तेल, नमक, हल्दी, धनिया समेत राशन सामग्री सम्मिलित है। फ्योर दी लोटो की ओर से अब तक कितनी राहत सामग्री दी जा चुकी है और आगे क्या प्लान रहेगा? फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया की ओर से 28 मई 2021 से आज तक 700 से ज़्यादा परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा जो पुष्कर के 8 बैंड हैं उनमें से 4 बैंड वादकों को खाद्य सामग्री वितरित की जा गई है, 4 को कुछ ही दिनों में और वितरित की जाएगी। इसके अलावा और संस्थान की ओर से शिक्षा को लेकर भी आपने बताया था, फाउंडेशन द्वारा पिछले 18 वर्षों से बालिका शिक्षा दिलवाई जा रही है, जिसमें अभी 650 के आसपास बालिकाएं पढ़ रही है। इसके अलावा खाद्य वितरण है, जहां गांव में पानी की समस्या है पेयजल की, वहां पे ट्यूबवेल खुदवाना, जिन बालिकाओं के मकान है उनको आवास बना के देना और मेडिकल की सुविधा प्रदान की जा रही है। पुष्कर में नए चयनित 100 बेड के अस्पताल को लेकर आज एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता, मोनू पाराशर, दिनेश प्रायता, सोनू पाराशर, मनीष पाराशर, गिरिराज पाराशर ने आपत्ति दर्ज कराई। दर्ज आपत्ति में पुष्कर सरोवर के केसमेंट एरिया में आती है प्रस्तावित नए अस्पताल की भूमि। पुष्कर एनिमल केयर सोसाइटी ने दर्ज कराई आपत्ति। इसी क्रम में तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष लाडूराम शर्मा ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई नए प्रस्तावित अस्पताल की भूमि को लेकर। 100 बेड का आधुनिक सुविधा युक्त चिकित्सालय बनवाया जाना प्रस्तावित है, उसके लिए आपत्ति दर्ज।